बिहार में आज नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन इस बहुमत परीक्षण से पहले सीबीआई सत्ताधारी आरजेडी के नेताओं के घर पहुंच गई। अभी भी छापेमारी चल रही है और छापेमारी की शुरुआत हुई पटना में राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह के घर से। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई के घर क्यों आई सीबीआई, ये जानिए आप। जो भी अधिकारी है वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर क्या मकसद है, किस टीम से आए हैं। जो टीम है काफी लोग पहुंच गए हैं और उनके समर्थक भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आरजेडी के नेता जो है उनके समर्थक यहां आ रहे हैं, तो जाहिर है कि यहां पर काफ़ी माहौल जो है गर्म हो गया है। कुछ और आरजेडी के नेताओं के घर पर छापेमारी भी आ रही है, छापेमारी की सूचना आ रही है। सुबह करीब 8 बजे का वक्त था जब सीबीआई की टीम पटना में सुनील सिंह के घर पहुंची थी। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार को सबसे पहले इस छापेमारी की खबर मिली तो वो फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि आखिर क्या है और कौन लोग थे, कब आए हैं। ये पुलिस टीम कब आई थी? 15-20 मिनट बस, ज्यादा नहीं। कहाँ, किनके घर गई? घर का गुना गई। कुछ पूछा भी इन लोगों? नहीं, हाँ। से कोई बात की? नहीं, नहीं बैठी बस। अच्छा, ऊपर कोई नहीं। तो आप सुन रहे थे, ये गार्ड हैं और ये पुलिस वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं हो रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके घर पे पहुँचें। शुरू में पता नहीं चल रहा था कि सुनील सिंह के घर में छापेमारी कौन कर रहा है, सीबीआई है, ईडी या फिर इनकम टैक्स। सवाल उलझते जा रहे थे और पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा था। लाइव कवरेज के दौरान हमारे रिपोर्टर प्रकाश कुमार सुनील सिंह के फ्लैट तक जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ है? तभी अफसरों ने उन्हें रोक दिया। आप लोग किसके टीम है? किसी के भी टीम से हैं। नहीं, सीबीआई, ईडी, हम कुछ नहीं बता सकते अभी। प्लीज, अच्छा, घर में कौन-कौन है ये बता सकते? प्लीज कोऑपरेट करिए, अभी कार्रवाई चल रही है, आप करने दीजिए। किसकी कार्रवाई चल रही है तो बता। नहीं बता सकते, बुलाओ। आपका क्या नाम हुआ? हम अभी कुछ आपसे बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। आप सुन रहे हैं, ये हम जा रहे थे उनसे बात करने के लिए सुनील सिंह के घर पर, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। अच्छा सर, आप किस टीम से हैं ये तो बता सकते हैं ना? अब अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? मीडिया वाला कोई भी गेट के अंदर नहीं आना चाहिए, आप बाहर जाइए। उनकी भाषा से लग रहा है कि आप यहाँ के नहीं रहने वाले, बिहार। अरे आप जाइए ना, बाहर जाइए प्लीज। और थोड़ी देर बाद जब घर की बालकनी से खुद सुनील सिंह देखे तो पता चला कि सीबीआई की टीम है जो घर में छापेमारी कर रही है। जैसे गुंडा मवाली अंदर घुसता है ना, हमारा दरवाजा खुला रहता है, जबरदस्ती आए और 6-7-8 लोग आए। ये लोग बोल रहे हैं कि हम सीबीआई से आए हैं। अच्छा। और ये लोग एक हमको कागज प्रोड्यूस कर रहा है कि घर की तलाशी लेंगे। और बोले कि भाई पहले बैठिए आप स्थिर से, तो नहीं आप जबरदस्ती दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत कैसे कर दे भाई? पहले आप बताइए कि यहाँ क्या है, नहीं है, और हमारा कोई आदमी नहीं है। आप अगर आप अंदर से नहीं, आप बोले तो अंदर आ जाए, मत छीजिए, खत्म कर देंगे अंदर। आप अंदर आ जाए, हमारा कोई आदमी अंदर नहीं है। क्यों आ जाएंगे अंदर? मेरे घर को बर्बाद कर रहा है, झूठ फूस का, बिना मतलब का, कुछ भी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए तो हम दावा ठोकते हैं। तो हम ऐसा केस बताइए, आप हम लोग को बताइए एक लाइन में, अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई पे। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंफॉर्म किए, बिना थाना को बुलाए कैसे मेरे घर में घुस जाइएगा जी? वैसे तो सुनील सिंह बिहार के पावर कॉरिडोर में जाना पहचाना नाम है, लेकिन देश को ये जानने में दिलचस्पी थी कि आखिर सुनील सिंह है कौन, जिसके घर सुबह सुबह सीबीआई पहुंची है, वो भी उस दिन जब नई सरकार को सदन में बहुमत साबित करना है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें सुनील सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सिंह से राखी बंधवा रहे हैं। असल में सुनील सिंह लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। राबड़ी देवी इन्हें मुंह बोला भाई मानती है और हर साल रक्षाबंधन के दिन अपने हाथों से राखी बांधती है। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी, हमारा बिहार के जनता सब हमारा परिवार है।
लालू परिवार के वफादार सुनील सिंह बिहार में बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं और 2020 में ही लालू यादव ने उन्हें वफादारी का इनाम देते हुए विधान परिषद का सदस्य बनाया था। सुनील सिंह आरजेडी के कोषा अध्यक्ष भी हैं। अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब सुनील सिंह के भी मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी। सुनील सिंह के समर्थक उन्हें सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी भी करवा रहे हैं। जो भी समाज का काम है, हमको एमएलसी बनाया गया। एमएलसी क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि भाई आप अपने समुदाय के लोगों को भी देखिए, आप अपने समुदाय के गांव को भी देखिए। सुनील सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर रहे हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट इसी तरह की तस्वीरों से भरा हुआ है। ट्विटर अकाउंट देखकर पता चलता है कि साल में 2-3 बार विदेश दौरे पर तो रहते ही हैं। अभी जुलाई महीने का ये वीडियो उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया। जुलाई में सुनील सिंह तुर्की और ऑस्ट्रिया की ट्रिप पर थे। 2020 में एमएलसी चुनाव के नामांकन में सुनील सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 35 करोड़ की बताई थी, जिसमें 27 करोड़ की जमीन, 5 करोड़ के घर, 2 करोड़ से ज्यादा के निवेश का ब्यौरा दिया था। सुबह जब सुनील सिंह के घर छापेमारी शुरू हुई तब घर में पत्नी और दोनों बेटे भी मौजूद थे। सुबह इस छापेमारी की खबर चल रही थी और एबीपी न्यूज को 10 मिनट बाद ये खबर मिली कि सीबीआई के निशाने पर सिर्फ सुनील सिंह नहीं है। पटना से लेकर कटिहार तक राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, मधुबनी में आरजेडी के राज्यसभा सांसद फयाज अहमद, पटना में पूर्व विधायक अबू दोजाना से लेकर पूर्व विधायक सुबोध राय तक के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे थे। जिस घोटाले को लेकर ये छापेमारी हो रही है वो घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले कैश की जगह लालू परिवार ने जमीन ली थी। सीबीआई इसी घोटाले की कड़ियां जोड़ रही है और लालू परिवार के करीबी रडार पर है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।